अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आशिम और आप देख रहे हैं मोहम्मद आशिम ऑफिशियल। आज जो हम वापस खादियाँ जा रहे हैं और खादियाँ जाने की तैयारियाँ जारी और सारी हैं। मैं अपना वॉलेट भी रखूँ अंदर, एयरपॉड्स, ग्लासेस, पावर बैंक, नहाते हैं और नीचे नाश्ता करने जाते हैं। खाने पे जो गोभी पे जो हम आ चुके हैं, यहाँ पर चिकन है, यहाँ पर चने, बॉयल एग्स है, फ्राइड एग्स है, वहाँ पर पराठे, यहाँ पर रोटी है और यहाँ पर कुछ खास नहीं। नाश्ता जो मिल जाए, मेरी शर्ट यहाँ से गंदी हो गई थी, दोषों के आ गए हूँ, अब अल्लाह खैर करे दाग ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये जूस है, लेमन जूस है और अभी नाश्ता शुरू करते हैं। हाँ जी, नहीं इंशाल्लाह कोई बात नहीं बेटी, नाल ही होगा, साफ हो जाएगा। ज़बरदस्त है, नाश्ता बहुत अच्छा है ना। बैग जो हमने सारे पैक कर लिए हैं, बैग्स वगैरह, और अभी हम चेकआउट करने लगे हैं। ये देखिए बैग, सारे पैक वगैरह कर लिए हैं, अंकल ने भी, मैंने भी, इसमें भाई भी अभी पैक कर रहा है, ये हम दोनों का ये है। और अभी चेकआउट करके निकलते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा टाइम था लास्ट स्पार्क में, मंगोरा और ये वो कलाम तो नहीं गए उधर, मालम जब्बा बहुत अच्छा। ये मेरे पास है अंकल। रात से निकलने से पहले गाड़ी में हम पानी चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हैं। ये मामो भी हमने चेकआउट कर लिए, चेकआउट हो गया, पेमेंट हो गई है, पैसे तो नहीं निकल चले। इधर के लोग बहुत 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 मेहमान नवाज हैं, ये मैं सबको जो है ना, ये इनकी बहुत ज़्यादा, जितनी भी मेहमान नवाजी की तारीफ़ करें ना, वो थोड़ी है। वो कभी मैंने एक भाई से बात की है तो उसकी तारीफ भी कहता है स्वाद के लोग इसीलिए मशहूर हैं। हाँ, मेहमान नवाजी में मशहूर है, अगर कोई बदतमीजी करे तो फिर गोली भी मार देता है। हाँ, इधर गोली भी मार देते हैं। कहते हैं कि मेहमान नवाजी में हम लोगों के पोंग भी धो के पीते हैं, मगर अगर कोई ना करे तो फिर हम दूसरा काम भी करते हैं, दूसरा काम भी करते हैं, गोली मार देते हैं। जी, हम जा रहे हैं मरगजात वाइट पैलेस और सैदो शरीफ। वो हमें GPS, हमारा नेट खत्म हो गया था तो पुलिस वालों से पूछा, वो पुलिस वालों ने अच्छा गाइड किया। एक टैक्सी वाले से पूछा, वो कहते मालूम नहीं। तो पुलिस वाले हमारे चलते फिरते GPS बन गए। हाँ जी, पुलिस वाले हमारे चलते फिरते GPS बन गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे उन्होंने तफरीही मकाम बनाया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं, हमारे साथ ही जुड़े रहिए। हम गाड़ी से जो हम निकल चुके हैं और यहाँ पार्किंग कर दी है। देखिए कितना प्यारा बाजार यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पर सकाफ़ती चीज़ें हैं, यहाँ की कल्चरल ड्रेसेस हैं और इसी तरह की चीज़ें। वहाँ पर देखिए मार्केट है, ये देखें यहाँ पे आप शहर है एक छोटा सा, बहुत ये बहुत ज़बरदस्त और सेहत अफजा मकाम है, सेहत के लिए पुरसकून है, कोई टेंशन वाली जगह नहीं, आराम से आए बंदा, आराम से बैठे,
शॉपिंग वाली जगह भी है साथ, आपके सामने देख रहे हैं ग्रीनरी और बिल्कुल पुरसकून पुरसकून माहौल है, रिलैक्सेबल मुकाम। तो इंशाल्लाह आपको आप बाकी बताते हैं आशिम आगे क्या ख्याल है। जी सही इंशाल्लाह। इस बोर्ड पर जो है इस महल के बारे में और सवात शहर के सवात के पूरे इलाके के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कितना खूबसूरत लॉन बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग जाते हैं मामू और अंकल मामे चले गए। मंत्र हो चुके हैं रिसेप्शन एरिया है। ये देखिए जो उन्होंने सारी पिक्चर्स लगाई हुई है, ये सैदु शरीफ है, ओल्ड पिक्चर ऑफ सैदु शरीफ, ये उस जमाने का सैदु शरीफ है। करंसी ऑफ सवात आना एक आना ये होता है स्वाद नामा। और ये बोन फायर कर रहे हैं ये स्वाद के हुक्मरान हैं और इसके जावलक साहब हैं। और इसमें ये स्वाद इसमें पहले कितने स्वाद के अयूब खान साहब के साथ ये कायदे आज़म इधर बैठे हुए मियाँ गुल अब्दुल वदूद के साथ। और ये मियाँ गुल अब्दुल वदूद लियाकत अली खान साहब के साथ हैं। और ये जो है उसकी पिक्चर से पुरानी ये सवात की करंसी है, ये मेरा ख्याल है उनकी बकरी हुई थी। ये जो पहले सवात के हुक्मरान थे जंगली लिबास में, ये पहली बार पे जो है ये क्या टाइम हो गई ये इस पर अनाउंसमेंट करते थे कि उनका जरा स्टेडियम है। ये देखिए जी ये उनकी एम्बुलेंस है उस जमाने की, आगे घोड़े साथ एक बेड रखा हुआ है जिसमें मरीज लेकर जाते हैं। लेकिन ये किंग का टेबल होता है, बादशाह का टेबल उस जमाने का। अभी हम आगे चलते हैं ऊपर यहाँ जहाँ देखते हैं क्या है। ये बरतानवी स्टाइल की घड़ी है और ये जो ऊपर है ये और ये जो ऊपर है ये यहाँ के स्टाइल की तलवार है, स्काफी स्टाइल की। ऊपर अभी हम जा रहे हैं, नीचे बंदों ने इंतज़ामिया ने हमें बताया कि ऊपर बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा, सुकून मिलेगा। अभी हम फिर ऊपर जा रहे देखिए जी यहाँ पे ये जो फर्स्ट फ्लोर है उसका किराया 8,000 है वाइट पैलेस में, और जो ऊपर है ना सेकंड फ्लोर उसका किराया 4,000 है। जब ये गेस्ट वगैरह चले जाएंगे ना, जब चले जाते हैं तब जो है वो आपको खामोशी मिलती है, परिंदों की आवाज़, आप खुद परिंदे और पानी, बस ये तीन आवाज़ें मिलती हैं। हाँ जी अगर हाँ जी अबशार भी आपको दिखाएंगे। अभी हम जूते चेंज करने जा रहे हैं गाड़ी में और उसके बाद जब ये गेस्ट चले जाते हैं बिल्कुल खामोशी, जिसने खामोशी के लिए ना उसके लिए बेस्ट जगह है। ऊपर हाइकिंग करने जा रहे हैं पहले, फिर हमने इरादा किया जूते चेंज करेंगे, लेकिन फिर हमने बोला नहीं ऐसे अबशार में थोड़ा पानी में उतरेंगे, अगर बंद जूते पहने जाओगे तो आप पानी में नहीं जाने होगा, तो अब सैंडल्स ठीक है पानी में जा भी जा सकते बंदा, इसी के साथ अब जाएंगे वहाँ पर। अभी हमने ये आलू बुखारे की किस्म है वो खरीदी है यहाँ से, जा रहे हैं ऊपर। ये जगह जी मैं सबको जो है ना सजेस्ट करूँगा, प्रेफर करूँगा सबको, माशाल्लाह सबको मैं प्रेफर करूँगा कि जब भी आए ना इस जगह को प्रमोश ना करें। ये जो ना जिसने जंगल को इधर ये समझ लें कायदे आज़म है मलका लिजबा, तो उधर से लेके हमारी पूरी तरीफ, इससे पहले भी बड़े बड़े स्वाद के बादशाह इधर पीप लगाते पीप लगाते रहे हैं। ये माएँ बहनें बच्चियाँ इधर अंदर चढ़ के जा रही हैं और खाने छाने लेके आई हुई हैं, उधर जाके ग्रिल करेंगी खाएंगी पियेंगी,
और नीचे इधर अगर किसी ने आना हो ना उसके लिए हम आपको ये गेस्ट हाउस दिखा चुके हैं, इसमें हिस्ट्री के बंदे रहे हुए हैं। तो उधर आके आप रहें, उसका 4,000 से 8,000 तक किराया है फैमिली के लिए। पूरे पूरे बेडरूम बने हुए हैं, 10-10 फैमिली के, मतलब 10-10 के कमरे बेडरूम बड़े बड़े। वो पूरा दिन जंगल में सैरें करें, ऊपर तक जाएँ वो दिखाएंगी थोड़ा सा, वो ऊपर रास्ता बना हुआ है उधर थोड़ा सा दिखाएँ इनको, इनको ये ऊपर वो ऊपर तक जा सकते हैं आप। जंगल जंगल इधर ऊपर जंगल में सारे बच्चे बने हुए, जो अभी बंदे जो तो गुजरे हैं ना, ये सारे ये जंगल में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और अपना मज़े ले रहे हैं। आप तो जो ना इस जगह पर खड़ा, इधर 2-3 दिन के लिए बंदा आया ना, इधर शहर नीचे में गोरा है जिधर से हम आए हैं, इधर से 1 घंटा ही चला है जंगल में। ये मुज़ाफ़ाती मुकाम है जहाँ पे लोग आके रेस्ट करते थे, सुकून लेते थे, दिन को जंगल में फिरते थे, पिछले टाइम या शाम को आके नीचे गेस्ट हाउस के अंदर रेस्ट करके फिर किताबें शब्दें लिखते थे कायदे आजम और नाज उधर से हाजिर करते थे। तो मरकल इज्जत मतलब रिलैक्स, जब छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे हर, ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ काम नहीं करते, रिलैक्स करते थे, छुट्टियाँ गुजारते थे इधर आते। ये लुचे कहते हैं, ये आलू बुखारे के जैसे ही होते हैं, हमने सुरख सुरख लिए हैं, वो टेस्ट भी किए थे माशाल्लाह, उन्होंने अपने दरख्तों से उतार के बेच रहे हैं, बिल्कुल साफ है, वैसे भी खा सकते हैं, मगर हम ये आप शहर का पानी जो है ना ठंडा ठंडा क्योंकि ठंडा करने के लिए डाल रहे हैं, नीचे से छात्र में से पानी निकल जाए, मेरा ख्याल नहीं निकल रहा, मैं इसको ऐसे करूँगा कि आप साफ हो गए हैं बहुत ही। मैं कहता हूँ क्या मज़े की बात है, इसको लुचे उससे पूछा कहते हैं, इनको लुचे कहते हैं, आलू बुखारे की बहन भाई हैं। ये देखें ये सब इधर ठंडे ठंडे हो गए, कोई चीज़ जो आपको प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप आएँ गेल शील करें, खारे खाएँ, घूमें, पूरा दिन जंगल में रहें, शाम को आके असर के बाद मगरब के बाद फिर आके गेस्ट हाउस में चाय शाय पिए, खाने खाएँ, शाम के इधर सोएं, सुबह फिर उसके। ये देखेंगे ये भी आपको पेश करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। यहाँ पर जो ये अंकल हैं ये बड़े अच्छे हैं, गपशप मार रहे हैं अभी हम इनसे। अंकल आप कहाँ रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो? मिंगोरा। किस जगह पे रहते हो? मिंगोरा में। मिंगोरा से आए। अच्छा इलाके का नाम? इलाके का नाम बता रहे हैं ना? नहीं नहीं इलाके का नाम मलुकाबाद। आप कब पैदा हुए हो? कब पैदा हुए हो आप? 1950 में पैदा हुआ। पहाड़ों पे चलने का शौक है आपको? पहाड़ों पर चलने का शौक है आपको? पहाड़ों का शौक। वहां से व्हाइट पैलेस से जो हम निकल चुके थे, अभी हम अभी अपने सीधे घर जा रहे हैं, यहाँ से इस्लामाबाद मोटर रोड पर जाना है। डिगी खोलो यहाँ से जो हमने आड़ू की एक पेटी खरीदी है मामू, 7 किलो आने 7 किलो और 550 की मेरा ख्याल है। ये देखे जी ये पूरा बाग लगा हुआ है इधर आड़ू का, ये 3-4 मीटर के फासले पर इन्होंने अपनी अड्डा रेडी लगाई हुई है। अभी इधर बैठते चलते हैं नीरो। अभी हमने उन्हें बोला कि ये पंखा बंद कर, जो मैं उन्हें लगा था अभी सर्दी हमें बड़ी डाढ़ी लग रही है, बुखार होने लगा था, अभी मुझे 290 का बुखार होने लगा था, ठीक हो है अभी। अभी स्वाद से जो हम निकल चुके हैं और अभी हम बस 2-3-5-10 मिनट में ना मोटरवे पे होंगे और आपको बताएंगे फिर।
बाद मोटरवे पर जो है हम चढ़ चुके हैं। ये देखिए जी टोल प्लाजा आ चुके हैं आगे। खुशामदीद, वेलकम। स्वात मोटरवे जो है ख़त्म हो गई है। देखें यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है गुड बाय स्वात मोटरवे, और देखें जी कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। इस्लामाबाद से जो हम अभी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हैं, और अभी हम श्रीनगर हाईवे से 21 किलोमीटर दूर हैं, और वही हो गया 30 किलोमीटर हो गया। और अभी मैं आपको मोटरवे के रात के मनाजिर दिखाता हूँ। मोटरवे पर हम रुके हैं अभी, पहन लिए, महंगाई बहुत है यार। ये खरिया से कुल्फी इसी कंपनी की 60 रुपए की मिलती है, यहाँ 90 की दे रहे हैं। ये कैन 60 का मिलता है, 90 का दे रहे हैं। लेकिन मैंने, हाँ जी, लेकिन मैंने 80 रुपए का लिया। हमने जल्दी आया ना मेन गेट, उधर कुल्फी पार्किंग थले जाती है ना। गीगा माल जो हम पहुंच चुके हैं, ये हम ना मेन रोड से नहीं आए, वो इस्लामाबाद से निकल के हम DHA से आए। 2 मिनट ही हमें लगे, कोई रोड में रश वगैरह ट्रैफिक नहीं था, ये एक नया रास्ता था, गूगल ने बताया हमें, हमें नहीं इस रास्ते का पता था पहले। मैंने स्लश खरीदा था, और अभी हम ये पार्किंग में बेसमेंट में की कमाल की, वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं मियाँ जी में खाना खाने। ऊपर KFC भी था, लेकिन हमने कहा यहाँ पे नया मियाँ जी खुले ना, वो चेक करते हैं। हम जो मियाँ जी पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमने पानी, मैं स्लश लेकर आया था की कमाल से, और अभी तक पी रहा हूँ। यहाँ पर की कमाल में आया, हमने यहाँ पर टाइम अभी देखे थी 12 हो चुके हैं, 12:12, और ये यहाँ पर हमने पराठा मंगवाया है, दाल मंगवाई है, अचार पहले का इधर होता है, टूथपिक होती है, और उसके बाद ये पानी मंगाई दी है, ये कंपनी मरीज पार्कलेट्स, और अभी खाना खाते हैं। टूर जो है बहुत ही हमारा बेहतरीन रहा, बेहतरीन रहा, लोग बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात, जिससे पूछा है उन्होंने अच्छा दिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जाओ जाओ ये इस तरह नहीं। आम तो बंदे होते हैं ना, वो बोलते हैं बस उतारते हैं, बोलते हैं जाइए सीधा, हम अपने काम में रखे, लेकिन लोग अच्छे, अखलाक अच्छा था। और वो हमें बता रहे थे कि अगर हम आपके अपना पाँव तो पाँव आग पर हमारी बात माने तो पाँव धोकर आपके पिएंगे, अगर ना माने तो दूसरा काम करेंगे, सीधा उड़ाएंगे आपको। और वो लोग बहुत अच्छे थे, पहाड़ी इलाका थी सबसे बड़ी बात, बस सिग्नल से ही आ रहे थे। वीडियो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई है हमारी, और दरिया हो सुकून था भाई, वाइट पैलेस था ना वहाँ पर, 10 कमरों 10 बेड्स का हाल था, वो उधर का सुकून था। शाम को जब टूरिस्ट आते हैं तो आप पहाड़ और परिंदे, पहाड़ नहीं अबशार और परिंदे, मुझे नींद आई हुई है इसलिए ना मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ। और मेरा टूर बहुत अच्छा रहा, आप भी इसी जगह पर आइएगा। और हम ठहरे थे, ये होटल है स्वात पैलेस होटल, इस होटल में हम ठहरे थे। अगर आप भी हैं तो आप भी इसी होटल में रहे, 304 कमरा नंबर, उधर मेरी यादें हैं। वो अपना फ्रिज मैंने ना टीवी के नीचे स्विच था, स्विच था तो टीवी हमने एक सीटा, वो फ्रिज की सीटा और दूसरी तरफ ले कर गए, वो हमें वो 7 अप ठंडी करनी थी। चलें बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।